महाराजा हरि सिंह के जन्म ध्याड़े की सारे की मुबारकबाद देना जिन्हें भरावान ने इंदे ताई संघर्ष किया हा। जरा अज का दिन ही सारे इन्ने भरा कट्ठे होई सके, उन्हें एक संघर्ष किया, एक मुहिम चलाई ही कि छुट्टी होनी चाहिए, उदी सानू छुट्टी थोई है। उन्हें भरावान की भी सारे डोगरां ने मिलिया छुट्टी ली है, उन्हें सारे ही मुबारकबाद देना अज दिन की। हुण तुसीं पुछा दिओ कि अहीं एक मंच तैयार किया हा, मैं उत्थे बैठी है शिद्दी चौंक, अहीं तीन भरा मेरे प्रदीप जी, भाई मीर चंद जी, सारे सारे डोगरा एकता जिहड़े चाहुंदे कि डोगरा कट्ठा रोए, उन्हें सारिया ने मंच तैयार किया हा। उत्थे आईए सानू समर्थन मिलिया सारिया का, तो अहीं वो मंच तैयार किया हा। लेकिन अज कुछ बंदे अपने पोलीटिकल फायदे ताईं, राजनीति करने ताईं सानू डोगरा की खंड खंड बंडी ओड़िया, साढ़े जम्मू के भरावान की बंडी ओड़िया, साढ़े सांबा के भरावान की बंडी ओड़िया, और अज सारा कठुआ भी बंडोआ दा, साढ़ी तीन तीन रैलियां निकला दियां, कितनी शर्मनाक गल है। सारे कन्ने रही है सानू, अज साढ़े भरा जिहड़े साढ़े कन्ने चले दे हे वह अज सारे इत्थन, तुसीं कैमरा घुमाओ तुसीं दिखो, जिहड़े साढ़े कन्ने दिलों चले दे हे, जिहड़े चाहुंदे हे कि डोगरा कट्ठा रोए, अज वो सारा इत्थे कट्ठा होदा, ते उंदे नाल जिहड़ी रैली है वह एक बीजेपी स्पोंसर रैली है, वह अगर कोई करा दा उहदे सारे बीजेपी कार्यकर्ता न, और उन्हें सारे ने सारे जम्मू कश्मीर की तोड़िया। अज ही मैं सवेरे भाषण सुना दा युवा दा प्रधान भाजपा दा, उन्हें प्रधान दिता कि 370 साढ़े उपर कलंक ही, क्या उन्हें महाराजा हरि सिंह ने ले दा हा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जरा 370 चलाई ही, उन्हें डोगरा का समान ताई चलाई ही, और उस समान क्यों कलंक खड़े, शर्म आनी चाहिए बीजेपी के लीडर की जेडे इंतर चला रहे साढ़े डोगरा की तोड़िया रखी ओड़िया। और उन समाज की मैं आखना चाहना जेडे भी बीजेपी के बड़े बड़े लीडर न, मैं थोड़े मीडिया के माध्यम कने ये सारे ही आखना कि साढ़े डोगरा की कट्ठा करने का तुम मुहिम चलाई ओड़ी है, डोगरा कट्ठा है, ये कट्ठा ही रोना है, और इसी कोई बख नहीं कर सकता। हाँ कुछ पॉलिटिकल बंदे सारे सिंपल बंदे दा, सारे सिंपल जड़े राजनीति नहीं जानते उनका फायदा लै देन, सानू तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं तुहानू सुनाना जिस दिन उन्हें यह समझ आई आ कि नेता सानू तोड़ा देन, उन्हें एक मंच पर दोहरा डोगरा एकता मंच पर कट्ठे होइए चलना, सारे ने चलना, सिर्फ जम्मू ने नहीं चलना, सारे जम्मू कठुआ सांबा सारे ने चलना। सर किस तरह से देखते हैं युवा राजपूत सभा के सारे समर्थक यहाँ पर हैं, आपने डोगरा युवा मंच बनाई थी वो भी यहाँ पर हैं, और आप ही के बैनर के तले वो रैली जो है निकाली जा रही है कार्यकर्ताओं की तरफ से, तो किस तरह से आपका जो एक्शन लिया जाएगा इसके बाद आज के दिन के बाद? देखिए मैं तुम्हें ये दस दिना कि एक्शन तो ही लेना है, लेकिन साढ़े बड़े भरा न अगर उन्हें लगता कि उनके को गलती हो रही है, और गलती तो उनके को हो रही है, लगता नहीं है उन्हें गलती कितने रही है, जड़े बंद ने डोगरा एकता मंच चलाया उन्हें की पिछे छड़िया उनके बैनर के तले खल्ले सारा ना लेइया अज रैली कड्ढा दे शहर दे विच, ओ के दसना चाहते हैं, ओ के प्रूफ करना चाहते हैं कि आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा आज के दिन के बाद? एक्शन आई लेना अगर सानू इहदे पर पॉलिटिकल सारे जिन्हें भी बंदे हैं इत्थे इकट्ठे होइए सलाह करनी है उहदा जिहड़ा एक्शन लेना जिले सारे यूथ पर एक्शन लेना अज तुहानू मीडिया ही सद्दी है उनके पर एक्शन की पूरी कार्रवाई जिहड़ी है कानूनी कार्रवाई वह भी की जाग, इहदे कोला अहीं पिछे नहीं हटना। महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। युवा रायपुर सभा जिंदाबाद, युवा रायपुर सभा माता की जय, भारत माता की जय, डोगरा एकता जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद। महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। चंद्र ने खिलाओ जन्म उत्सव पर जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई। सबसे पहले तो मैं अपने जम्मू कश्मीर के वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। 1895 में महाराजा हरि सिंह का जन्म 23 सितंबर को हुआ था, और इसके साथ साथ आज जितने भी युवा हैं कठुआ के
वो आए हैं हमारे साथ और बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं इस रैली में। और मैं अपने सभी युवाओं को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि वो नशे की तरफ मत जाएं और अपने माता पिता की बात माने, और जो बेरोजगार युवा है वो अपने तरक्की की तरफ ध्यान दे, नशे की तरफ मत देना थे देना। बड़ा बहुत ही खुशी आया गल है, और तुसें सारे की मीडिया आह्लें दा भी बड़ा तहे दिल नाल शुक्रिया करने आ, क्योंकि तुस भी इत्थे आए तो बड़ा अच्छा लगा। और इहदे कन्ने कन्ने अस ये भी गलाने कि ऐसे लोगों को बचो जेडे तुहानू तोड़ा देना है, अगर इयै स्थिति रही तो शायद भरा भरा भी तोड़ी ओड़ने जिसलै इसलै माहौल चला दा है। तो बड़ा दुख लगता सानू, ये साड़ा विकास भरा बैठा शहीद चौंक, और सानू मतलब शहीद चौंक के उपर भी एक मतलब ब्लेम लगी आ कि यह कि उंदे प्यो की जगह है। तो बड़ी ज्यादा शर्म आती सानू इयै, अगर साढ़े लीडर साढ़े उपर अस उंदे बच्चे अगर साढ़े मतलब इयै उपर इयै वाइट देन तो बड़ी शर्म की गल है। और अस कोई अपने आस्तै नहीं बैठे, ये विकास भरा है, इंदे कोई बड़ी बड़ी गड्डियां नहीं आने के टोल मतलब गड्डियां करा देने, लेकिन दुख है कि टोल भी अज नहीं पटोया है, नहीं मतलब खत्म होया है, टोल अज भी लगा दा है, इस गल का भी सानू दुख है। लेकिन आज की रैली को किस तरह से देखते हैं, सभी यहाँ पर मौजूद हैं, अगर बात करेंगे जिन्होंने छुट्टी दिलवाई उस युवा राजपूत सभा के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, और जो लोग कहते हैं कि युवा राजपूत सभा पैसे लेकर ड्रामे करती है, आज उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता जो है आज रैली निकाल रहे हैं शहर में। देखो गल ये है कि जिसलै साडा अपना घर इकट्ठा नहीं ना होगा तो त्रीया बंदा फायदा लेई जांदा, और जिसलै घर के बंदे गै पढ़े लिखे दे बेईमान होई जान तो उसके उपर फिर अस केह आखी सकने, अस तो अनपढ़ बंदे हैं, त्रै भरा अनपढ़ हैं, अस इन्ने कोई ज्यादा पढ़े दे नहीं है, लेकिन जेहड़े पढ़े लिखे दे ना उन्हें यह चीज़ जरूर दिखनी चाहिए, अपना घर कट्ठा रखना चाहिए ना कि घर पढ़ना चाहिए। और पैसे लेइए बैठे वो बड़ी शर्मनाक गल है, और अजें तकर उन्हें माफ़ी नहीं मंगी है, सिर्फ लाली पापी दे आदे ना खेद है, खेद च ते माफ़ी मंगने च बड़ा सारा फर्क है, अस चाहते हैं कि वो माफ़ी मंगी लैन तो ताकि ये जो मसला अगर बधे नहीं, अगर नहीं माफ़ी मंगी तो ये मसला अगर बधी भी सकता। क्या लगता है जो लोग बेसिकली पता उन्हें भी है कि उसलै अस कुछ